Stane! सबसे पहले मैं बता देता हूँ ब्रीफ में आप लोगों को कि आज क्या होने वाला है आज के सेशन में। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुई थी मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं मेरे आने वाले सेशंस पे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स रखो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिन कमेंट्स के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स आएंगे वही मेरे आने वाले सेशंस के टॉपिक्स होंगे। अरे फ्लो तो उसमें जो टॉपिक पे सबसे ज्यादा लाइक्स आए हैं वो है हाउ टू ओवरकम शाइनेस, और इसी से एक और चीज कनेक्टेड है कि व्हाट टू डू इफ वी आर एन इंट्रोवर्ट। और बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज्ड हैं शाइनेस में और इंट्रोवर्ट में, वो इन दोनों चीजों को एक ही समझ रहे हैं। तो इसको शुरू करते हैं यहां से कि क्या शाइनेस और इंट्रोवर्ट एक ही चीज है या अलग अलग है, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या कोई फर्क है या एक ही चीज है। सर इधर से हाँ इनको दे दो माइक। सो वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो मेरा टॉपिक से रिलेटेड है आज, ये शाइनेस के ऊपर है। बैठ के बहुत होता है कि बोले सर, ये जो आप सेशन अरेंज कराते हो हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा थैंक यू आपको इसके लिए। सर ये थैंक्स इसलिए नहीं है बिकॉज आप संदीप महेश्वरी हो, नथिंग। आप हमारे लिए ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई क्यू नहीं है, कोई टिकट नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है, और हम लोग यहाँ पे एक जैसी सीट पे बैठे हैं और कोई वीआईपी सीट नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। कौन है जो बोलना चाहते हैं? हाँ बताइए, इनको माइक दो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। शाइनेस और इंट्रोवर्ट में डिफरेंस है। शाइनेस होता है कि वो मिलना चाहते हैं लोगों से लेकिन डरते हैं, और इंट्रोवर्ट होता है जिनको मतलब नहीं होता, मतलब सिर्फ अपने में रहते हैं, उनको मिलने का किसी से शौक ही नहीं है। शाइनेस का मतलब वो जो किसी से बात तो करना चाहते हैं लेकिन बात करने में शर्म आती है, और इंट्रोवर्ट का मतलब वो जो बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपने साथ भी खुश है। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पर शाय हो, और अगर कोई शाय नहीं है तो ऐसा नहीं है वो कहीं पर भी शाय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो कहता है मैं बिल्कुल भी शाय नहीं हूँ, उसको यहाँ पर बुलाऊँगा तो उसकी थोड़ी थोड़ी हवा टाइट होने लग जाएगी, है कि नहीं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जैसे अगर आप कहते हो कि मैं बहुत शाय हूँ, शाय मतलब क्या कि आपको अपनी माँ से बात करने में शर्म आती है, अपनी बहन से, भाई से, या खास कोई दोस्त है उनसे, वहां नहीं आती। तो कुछ सिचुएशंस में आपको शर्म आती है, तो क्या करें? अब उसका सोल्यूशन क्या है? जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, मान लो किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, और काफी आपको महीने हो चुके हैं, कई साल हो गए, तो वहां पर आपकी एक इमेज ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप ओवरनाइट उस इमेज को नहीं तोड़ सकते। वो भी कहेंगे क्या भाई पागल हो गया, क्या खा के आया है। तो अब जो ऐसी जगहें हैं जहां पर के आपकी कोई इमेज नहीं बनी हुई है, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं इस दुनिया में, नहीं है। कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई क्लब्स हो सकते हैं, एटलीस्ट किसी नई जगह पर जाओ जहां पर आपको कोई नहीं जानता है, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, छोटा मोटा ज्वाइन कर लो, कुछ भी, वहां पर पहले दिन से ही अपने माइंड में इसको बिठा करके रखो कि जैसा भी हूं, जो भी हूं, परफेक्ट हूं। बिकॉज शाइनेस के भी कुछ कॉजेज होते हैं, ये जो फियर्स होते हैं ना, वो हो सकता है किसी को लगता हो कि मैं बहुत मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, ऐसे कुछ भी। तो क्या बोलना है अपने आपको कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, परफेक्ट हूँ, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, परफेक्ट हूँ, मैं जो भी। पहले तो शुरू में मजाक लगेगा, अरे कहाँ परफेक्ट है, काहे का परफेक्ट। लेकिन थोड़ी देर में विश्वास होने लग जाएगा, मानने लग जाओगे, कहानियाँ ही तो है, और है क्या, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कहानी से ही तो आता है। एक्चुअल में हम अपने आप को जैसी कहानियां बोलते हैं उसी से तो कॉन्फिडेंस आता है। तो आज तक आप एक गलत कहानी अपने बारे में आपने बना रखी है, जिसकी वजह से आप कॉन्शियस हो रहे हो, जिसकी वजह से आप डर रहे हो। तो अब आपने एक नई कहानी बनाई, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, परफेक्ट हूं। प्लस जहां पर आप जा रहे हो उससे रिलेटेड नॉलेज गैदर कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जा रहे हो, कोई बाइक क्लब है, तो वहां पर उससे रिलेटेड अच्छे से नॉलेज गैदर कर लो। अब उन्हें तो नहीं पता ना आपको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, ताकि वहां पर आप जाओ तो अपने आप को ऐसे शो कर सकते हो, अरे मुझे सब पता है। इससे क्या होगा? एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर सर्कल में आपकी एक अलग तरह की इमेज बनने लग जाएगी। उस इमेज के बनने से क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ने लग जाएगा। अगर इसी तरह से अलग अलग जगह पर, अलग अलग अननोन जगहों पर आप अपनी अलग अलग इमेजेस बना लो, यानी कॉन्फिडेंट इमेज बना लो, तो क्या इसका इफेक्ट वहां पर नहीं आने लग जाएगा जहां पर ऑलरेडी आपकी एक इमेज बनी हुई है? ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। क्योंकि हुआ क्या है, अगर इसको आप ध्यान से समझोगे, ये क्या होता है, हमारे घर में जिस तरह का एटमॉस्फेयर है ना, वहीं से इमेज बननी शुरू हो जाती है बचपन से ही। ऐसा होता है जब माँ बाप कंपेयर कर रहे होते हैं,
हर चीज़ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बहन है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में अच्छी है, रट्टा मारने में बड़ी तेज़ है, लड़कियाँ बड़ी तेज़ होती है रट्टा मारने में, लड़के फुद्दू होते हैं ज़्यादातर, मेरे ऐसे याद ही नहीं होता है, लड़कियों को सब याद हो जाता है ना, ये प्रैक्टिकल है ना बात, सब रट लिया, सारी पोएम्स रटी पड़ी है और वो जा करके सुनाए चले जा रहे हैं और सब तालियां बजा रहे हैं और हमको फुद्दुओं की तरह देख रहे हैं, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो वहीं से हमारी एक इमेज बनने लग जाती है कि मुझ में कुछ कमी है। बचपन में अगर आपको भी मौका मिला होता तो आप में भी कॉन्फिडेंस होता, तो बचपन में वो नहीं मिला, किसी और को मिला, जिसको मिला वो और आगे बढ़ता चला गया और आप और दबते चले गए। ऐसा होता है घर में या नहीं होता? प्रैक्टिकली रिलेट कर पा रहे हो ना भाई बहनों में, ये चीज़ बड़ी कॉमन है, ये मेरे साथ भी बहुत हुई है। माई सिस्टर वॉज लाइक, अगेन शी वॉज गुड इन टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में, और मैं बिल्कुल निकम्मा, मतलब हर चीज़ में ऐसे ही, तो हर जगह यही सुनने को मिलता था कि भाई कुछ नहीं है इसके बस का, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो सब कुछ कर सकती है, वो तो ये, वो तो वो, वो तो, लेकिन आज माहौल कुछ और है। तो इसकी जो जड़ें हैं शाइनेस की, वो जड़ें क्या है, इसका रूट कॉज क्या है? वन इज फियर, एनवायरमेंट, जिस तरह से हमारे एक्सपीरियंसेस हैं बचपन से आज तक, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, तो चाहे हम ऊपर ऊपर लेवल पे बोले भी आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन बचपन से हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब भी मैं किसी के सामने जाता हूँ या चार लोगों के सामने मेरे को कुछ कहा जाता है बोलने के लिए, तो मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो हमारा एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। ऊपर ऊपर लेवल से मेरी बातें सुनकर के आप अपने आप को क्या कह रहे हो, नहीं नहीं मैं कर सकता हूं, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ और कह रहा है, तो अपने एक्सपीरियंस को बदलना पड़ेगा तब काम होगा। तब सवाल उठता है इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, जिस माहौल में आपकी इमेज बनी हुई है वहां पे तो नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसको शुरू कहां से करें? अननोन जगह से। अननोन जगह पर जाकर के अगर आप कहीं पर जाकर के बैठ जाओ पार्क में और अननोन लोगों से बात करने लग जाओ, लड़के हो तो लड़कों से, इंडिया है ये, यहां पे अगर आपने किसी को स्माइल भी पास करी चलते फिरते, बाहर कॉमन है ये सब, यहां पे अगर करी तो उसका मतलब कुछ और निकल सकता है, बड़े जूते पड़ सकते हैं, थोड़ा संभल के दोस्त। फॉर एग्जांपल कहीं पार्क में कोई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास में जाकर के बैठ गए और जाकर के कोई बंदा, तारीफ किसको बुरी लगती है, उसको थोड़ा सा एक कॉम्प्लीमेंट मारने में क्या देर लगती है कि यार मैंने आपको देखा जब आप खेल रहे थे ना, मेरे को बिल्कुल वो विराट कोहली वाला टच आ रहा था। बंदा फूल के गुप्पा, वो खुश हवा में उड़ रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, अब बैठ करके उसकी बातें सुनते रहो, कुछ भी क्या बोलेगा वो, मेरा मैं बहुत सालों से खेलता हूं, अरे सर लग ही रहा था आपको देखकर। क्या हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं लोगों को? बहुत कम। आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं सुबह से रात तक? जीरो। कौन है ये दुखी आ रहा? अरे हाँ नहीं, बट ये फैक्ट है, एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिलते हैं या हमको हमारी कमियों के बारे में ज्यादा याद दिलाया जाता है, घर में भी यहां पे भी, वहां पे देख लो कितनी बड़ी गड़बड़ हो रही है। एक अच्छी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, बातचीत की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, दोस्ती की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, उसके आगे जो कुछ होता है उसकी शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से। कहाँ निकल गए? मैं शादी की बात कर रहा था। बदतमीज लोगों, बेशर्मो। और क्या प्रैक्टिकल वेज हैं टू ओवरकम शाइनेस? हाँ इनको दे दो माइक। सर हमें रिजेक्शंस को एम्बरेस करना चाहिए ना कि रिजेक्शंस आके हमें एम्बरेस कर दे। यू आर सेइंग रिजेक्शंस को एम्बरेस करना चाहिए या एम्बरेस कर देना चाहिए? हाँ हाँ एम्बरेस कर देना चाहिए। ओह आई एम सॉरी। गुस्सा नहीं, माइक मत है मारना नहीं, एक मिनट मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सीरियसली मैं अबे रुक जाओ, अरे आखिर पागल बन गए सर। हाँ, जैसे मेरे को समझने दो। हाँ रिजेक्शंस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, ना कि उससे डर के बैठ जाना चाहिए, उसे हम और ज्यादा shy फील करेंगे। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इनफैक्ट ये क्वालिटी आप कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, नहीं तो वो खेल ही नहीं सकते।
सोचो आपको किस चीज में डर लग रहा है। डर भी कितना फुद्दू सा है कि मैं यहाँ आगे जाऊंगा, इसके आगे कुछ बोलूंगा, यहाँ पे दो लोग खड़े हैं और वो हंस देंगे, ये डर है ना। सोचो उस बंदे के बारे में जो करोड़ों लोगों के सामने, किसी क्रिकेटर की अगर हम बात करें, वहां पर आकर के खेलने के लिए आ रहा है जबकि उसको पता है वो जीरो पे आउट हो सकता है। उसके बाद क्या क्या किया जाता है ट्विटर पे, यहां पे वहां पे, उसकी क्या हालत करी जाती है बंदे की। उनको पता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, दे कांट एस्केप इट। उनको पता है कि जब मैं खेलने जा रहा हूं तो मैं गालियां पड़ने ही वाली, बट दे नो हाउ टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। अब इसको अपनी लाइफ से रिलेट करो, क्या गड़बड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बोला, आपका एग्जाम्पल दूं या अपना ही दे दूं? अपना ही दे दूं, मतलब मैं अपना ही मतलब मजाक उड़ाता हूं, है ना। जैसे मैंने कुछ बोला सेशन के बीच में, एकदम से कुछ बोला, कोई जोक क्रैक किया और आप लोग नहीं हंसे, ऐसा हो जाता है। आज भी दो चार बार हुआ है, मेरे को पता नहीं आप में से कितनों को पता लगा नहीं लगा, होता है नहीं होता है? एक बार पता लगा था, सच बताना आप लोगों को पता लगा ऐसा चार पांच बार आज कब हुआ है? नहीं पता लगा ना। एक किसी ने बोला है कि एक बार पता लगा, वो भी तुक्का मार रही है, पक्का है। कब हुआ था बताना? कब हुआ था? माइक दिया जाए, माइक दिया जाए इनको, कब हुआ था? याद है? ठीक है, याद करो आप, जब याद आ जाए तो मेरे को बताना, है ना। ठीक है, कोई याद नहीं आने वाला, क्योंकि वो याद कब आता है, अगर वो होता और मैं एकदम से ऐसा रिएक्शन दे देता, अबे ये क्या हो गया, उसके बाद पूरे सेशन की वॉट लग जानी थी। समझ गए ना कि यही हम गलती नहीं करते हैं कई बार, कि कहीं नई जगह पर गए हैं, नए दोस्तों के बीच में गए हैं, वहां पे कुछ बोला और हमारा मजाक बन गया, उसके बाद में कुछ बोलते ही नहीं है। उनकी बातों पे हंस दो, हाँ। जो मजाक उड़ाते ना उनकी, हंस दो और उनके साथ हो जाओ, उसको ठीक करने की कोशिश मत करो और रायता फैलेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता लगा है कि मैंने कुछ बोला और वो गड़बड़ हो गई है, तो अब मैं क्या उसको ठीक करने की कोशिश करूं? जितनी कोशिश करूंगा उतना वो और खराब नहीं होता चला जाएगा। आगे बढ़ जाओ फटाफट से उसको छोड़ दो, ये लाइफ में भी बहुत काम आता है। हमने कुछ किया और फेल हो गए तो वहां पे रोते नहीं रहना है बैठे बैठे, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो जो होना तो हो गया, आगे बढ़ो फटाफट से, आगे बढ़ जाओ। ये क्वालिटी जितनी है आपके अंदर, मतलब जितनी जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो उतना ही लाइफ में बहुत आगे जाओगे। This quality must be there in you if you actually want to overcome shyness in something. आप एक कॉमेडियन बनना चाहते हो तो ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। आप करोगे कोशिश, चाहे आप स्टेज पे कॉमेडी कर रहे हो, चाहे अकेले में बैठ करके किसी को हंसाने की कोशिश कर रहे हो, करते रहते होगे कोशिश, नहीं? डेट पे गए हो वहां पे, यही तो करते रहते हो, और करते क्या? वेले जोक्स चल रहे होते हैं, लीव लुक लीव सो लीव इट। वो भी हंस रहे क्या तुम जी? इनको माइक दे दो। सर हम जब भी कहीं नई जगह जाते हैं तो सर वहाँ पे हमें अगर फीमेल से बात करना हो तो सर हमें शर्म आती है कि लड़की, अगर आप बॉय स्कूल से हो, हाँ बॉय स्कूल से हो आप भी, हाँ 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 होता है ऐसा, तो हम मतलब सोचते हैं कि बात कैसे करो, कहीं मतलब एक्सप्रेशन खराब तो नहीं हो जाएगा, मतलब मतलब इस टाइप। बिल्कुल सही, मतलब बोल ये रहे हैं लेकिन ये बहुतों के दिल की बात है ये। यस और नो? यस और नो? यस और नो? देख लो कितना शोर मचा रहे हैं लोग। सर वही बात करने में मतलब हिचकिचाहट सी होती है। तो अब आप, मैं क्या क्या चाहते हो, मैं लव गुरु बन जाऊं मतलब? मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ पे हिचकिचाहट सी होती है, ऐसा क्यों होता है, उसी को समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? अबे रुक जाओ, ठीक है बात करें ना, हम अपना बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ, आप यहाँ पर मेरे लिए आए हो, मैं आपके लिए हूँ, ठीक है, डेट पे हम। नहीं अब सीरियसली, तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम किसी लड़की से बात करते हैं तो कॉन्शियस हो जाते हैं? लड़कों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं नहीं, लौंडे खड़े हैं चार पांच, हमने बातें चल रही हैं इधर उधर की, मतलब लड़कियों के बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनसे बात करने में दिक्कत होती है, राइट? यही चैलेंज है जी सर। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है?
सर मैं वही आपसे को अरे नहीं मैं नहीं बताऊं, ये गड़बड़ हो जाएगी, मिलके डिस्कवर करेंगे, मिलके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ होता है? हाँ होता है। तो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? सर मैं चाहता हूँ बातचीत करूँ, बात आगे बढ़े, फ्रेंड बने। तो सर गलत मीनिंग नहीं है मेरी? नहीं गलत की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया, मतलब आप सिंपल एज अ फ्रेंड किसी से बात करना चाहते हो लेकिन उसमें कॉन्शियस हो जाते हो, ऐसा क्यों होता है, क्यों हम बात करने में कॉन्शियस होते हैं? कोई और बताना चाहेगा, इनकी हेल्प करना चाहेगा, जिनके साथ एक्चुअल में ऐसा होता हो? इनके साथ में जो बैठे हैं उनको देना माइक। हाँ आप भी खड़े हो जाओ। हाँ बताओ। फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन कि वो रिजेक्ट कर देगी, लेकिन आप उसको प्रपोज थोड़ी कर रहे हो, आप तो बात कर रहे हो। सर अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में तो उससे क्या हो जाएगा, वो बोल देगी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुमसे बात करने में, हमारी तो इंसल्ट होगी ना फिर। अरे यार अब ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, इंसल्ट की डेफिनेशन को ठीक करो। इंसल्ट होती है कि जहां पे आपने कुछ किया और दुनिया को उसके बारे में पता लग गया, दैट इज एन इंसल्ट। उस लड़की से ना तो आप दोबारा मिलने वाले हो, जिसने मना ही कर दिया वो तो दोबारा आपसे कभी मिलेगी भी नहीं। सर अपनी फ्रेंड को आपको पता है, किसी और को थोड़ी पता है, अपनी फ्रेंडों को तो बताएगी ना सर। ये एक नई कॉम्प्लिकेशन है, अपनी फ्रेंडों को तो बताएगी। एक मिनट रुक लो, अगर किसी ऐसी लड़की को आप अप्रोच करो जो आपको जानती ही नहीं है, बातचीत ही तो कर रहे हो और किसी ऐसी टॉपिक के बारे में बात करो, मैं कुछ और तो नहीं बनता जा रहा हूं ये सारे सॉल्यूशन निकालते निकालते। अबे यार क्या बना रहे हो। बट वैसे मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि हमारे अंदर एक झिझक है बात करने की, है ना। तो आप उसको प्रपोज नहीं कर रहे हो, सीधा ही प्रपोज थोड़ी कर दोगे किसी को जाकर के, मुझसे शादी करोगी भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो आप उससे बात ही तो कर रहे हो, बात करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप कहीं पे जा रहे हो, किसी रास्ते के बारे में आपको नहीं पता, किसी से रास्ता पूछ रहे हो, जैसे मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो और पूछ रहे हो किसी से कि आप एक्सक्यूज मी, बड़े तमीज से कि ये कहाँ पड़ेगा जो मुझे जाना है, तो वो क्या रिजेक्ट करेगी वहां पर, क्या इंसल्ट होगी वहां पर? और अगर इसकी आप प्रैक्टिस करने लग जाओ तो अभी प्रॉब्लम की जो जड़ है ना वो पता है क्या है, कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है फीमेल से बात करने की, तो वो हमको भूत प्रेत की जैसी लगती है, मतलब एक एलियन की जैसी है बहुत लोग, ये फैक्ट है, मैं सच कह रहा हूँ। जो बहुत लड़कों के लिए इंडिया में फीमेल से बात करना मतलब कि पता नहीं क्या एक हवा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब आंसर भी मिल रहा है। हाँ एक मिनट, सही जगह से आंसर आ रहा है, एक मिनट रुकना, माइक लेकर के बोलना। बस गर्ल्स को रिस्पेक्ट चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता, बार बार से दिखाने के लिए नहीं, अंदर से एक्चुअल में आपके अंदर रिस्पेक्ट है उनकी, जिनसे भी आप बात करने वाले हो, चाहे वो अनजान है लेकिन बड़े रिस्पेक्ट से बड़े अच्छे से तमीज से आप बात कर रहे हो उनसे, तो दो ही चीजें होंगी, या तो वो मना कर देगी कि नहीं मुझे नहीं पता रास्ते के बारे में, या वो आपको बता देगी। तो जब बताएगी तो बताते बताते थोड़ी बहुत तो बात होगी ना, तो वहां से थोड़ा तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है ना, तो जब इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तब आप औरों से भी बात कर पाओगे। अरे कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लो यार जो सिर्फ लड़कियां करती हैं, अपने आप ही आप अलग बन जाओगे एक महीने। मेकअप का कोर्स करो ना, वहां पे 90% फीमेल्स होंगी, साइलेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओके साइलेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। नहीं सही कह रहे हैं, मतलब कोई बुराई नहीं है, है ना। वहां पर सोचो कि मतलब सिर्फ 50 फीमेल्स हैं और एक अकेले आप मेल हो, या 2-3 मेल्स हैं, खुशी की लहर दौड़ गई है जिंदगी में। अल्लाह फिर तो कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा, फिर तो आप सीधा जा करके कह सकते हो बजाय के नहीं 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 नहीं, नॉट वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, वुड यू लाइक मी टू डू योर मेकअप, ठीक है। जवाब मिल गया आपको दोनों को इसका, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर देम। Thank you so much.